सेकंड एपिसोड में योशिनो उसे उस अजीब सी चीज के बारे में पूछता है। माहिरा उसे बताता है कि वो एक फ्रूट है और वो अलग अलग सिटी से निकल रहे हैं और सभी एक तरफ की ओर बढ़ रहे हैं, और अगर वो सभी फ्रूट्स एक जगह पर मिल गए तो अपने असली रूप में आ जाएंगे, यानी कि सब खत्म हो जाएगा और हमें यही होने से अवॉइड करना है। माहिरो कहता है कि योशिनो हमें एक जगह जाना है। योशिनो से पूछता है कि कहां पर, वो कहता है कि वही जहां पर से ये सब कुछ शुरू हुआ था, यानी कि उसका घर जहां पर आइका की डेथ हुई थी। वो लोग वहां पर जाते हैं। हाका से कहती है कि एक स्टील की नाइफ होगी उन वेपन्स में से जो कि मैंने तुम्हें दिए थे। योशिनो के पूछने पर माहिरो कहता है कि ये टैलिस्मैन है जिसमें कि मैजिक सील्ड है। वो उसे बताता है कि वहां उस आइलैंड पर फंसने से पहले हाकाजे ने कई सारे टैलिस्मैन्स को अलग अलग जगह पर छुपा कर रख दिया था, जिसके बारे में उसके क्लैन में से किसी को भी नहीं पता था, और हाकाजे के कहने पर उसने उन सभी टैलिस्मैन को इकट्ठा किया है। तुम्हें इन टैलिस्मैन को इस तरह से पहनना होता है कि ये तुम्हारे बॉडी को टच करे और उसके बाद तुम सिंपल मैजिक यूज कर सकते हो, पर तुम इन्हें कुछ ही बार इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि इसके बाद ये बेकार हो जाते हैं। योशिनो पूछता है कि इससे हम उन दूसरे जादूगरों से लड़ सकते हैं। हाकाजे कहती है कि हाँ, क्योंकि मैजिक से लड़ने के लिए तो मैजिक की जरूरत है। माहिरो उस नाइफ को उस जगह पर गाड़ देता है, जिसके बाद हाकाजे स्पेल पढ़ती है और वो मैजिक को एक्टिवेट करती है। वो कहती है कि ये एक्सीडेंट एक साल पहले हुआ था, इसलिए उसे कुछ टाइम लगेगा, जिसके बाद वो योशिनो को कहता है कि ये सिटी बहुत ही जल्दी क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, इसीलिए उसे यहाँ से चले जाना चाहिए अपने पेरेंट्स के पास। और वो उसे जाने से पहले उसे टैलिस्मैन देता है और वो कहता है कि इसके पास होने से तुम्हें वो डिजीज नहीं होगी और इसे तुम अपने डिफेंस और हाई स्पीड मूवमेंट के लिए यूज कर सकते हो। बस तुम्हें मैजिक को यूज करने से पहले थोड़ा सा उस चीज को इमेजिन करना होगा। और वो कहता है कि हाँ, उन बटरफ्लाई से दूर रहना, क्योंकि उनका मतलब है कि वो फ्रूट वहां से निकलने वाला है। और वो कहता है कि आइका के किलर को मारने के बाद वो वापस आ जाएगा और तब मुझे तू अपनी गर्लफ्रेंड जरूर मिलाना, और वो वहां से चला जाता है। हाकाजे माहिरो से पूछती है कि तुमने उसे एक टैलिस्मैन दे दिया, क्या तुम उस पर इतना ज्यादा यकीन करते हो? वो कहता है कि हाँ, और वो मैजिक कंप्लीट होने ही वाला होता है। और दूसरी ओर योशिनो अपना बैग पैक करके उस सिटी से जा रहा होता है कि वहां पर एंजेलिना आ जाती है और वो फोर्सफुली हाकाजे के बारे में पूछने लगती है, मुझे बताओ कि वो कहाँ है। कि तभी योशिनो को माहिरो के दिए हुए टैलिस्मैन्स के बारे में याद आता है और वो उसके हेल्प से खुद को एंजेलिना से बचाता है, और वो एंजेलिना की गन लेकर उसके स्कूल में छुप जाता है जो कि पासी में होता है। पर एंजेलिना उसे ढूंढ लेती है और उसका पीछा करते हुए वो छत पर पहुंच जाती है, पर योशिनो उस पर गन तान देता है। एंजेलिना उस पर अटैक करती है और फिर से उस पर अपना लीड लेने की कोशिश करती है। उससे पहले योशिनो उसे पकड़ लेता है और वो फिर से मैजिक का यूज करता है और वो दोनों छत से गिरने लगते हैं, पर योशिनो मैजिक का यूज करके उन दोनों को बचा लेता है और वह एंजेलिना को कहता है कि एक डील करते हैं। और दूसरी ओर शायद माहिरो को पता चल जाता है कि आइका के मर्डर के पीछे कौन है, और वो दोनों इस बात से चौंक जाते हैं, मतलब कि हाकाजे और माहिरो, क्योंकि आइका की डेथ और हाकाजे के इस सिचुएशन के बीच में एक कॉमन कनेक्शन होता है। तभी वहां पर माहिरो के आगे एक और मैजिशियन आ जाता है। हाकाजे कहती है कि वो जरूर सैमन का आदमी होगा। वो आदमी माहिरो से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। माहिरो कहता है कि और तुम कौन हो, सैमन के आदमी, और वो आदमी उस पर अटैक करता है, पर माहिरो उसे डॉज करता है। वो आदमी उससे पूछता है कि उसने मैजिक कहाँ से सीखा। वो कहता है कि उसी से जिससे तुमने डिब्बे में बंद कर दिया था, जिसके बाद वो आदमी उस पर अटैक करने के लिए अपना स्पीयर निकालता है, यानी कि भाला। और हाकाजे माहिरो को केयरफुल रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि ये जरूर कुसारिबे नात्सु मरा होगा, पर अगेन बहुत डिफिकल्ट नाम है, सो लेट्स कॉल हिम नात्सु इन शॉर्ट। वो कहती है कि जल्दी वहां से निकल जाओ क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग अपोनेंट है। वो आदमी सैमन को बताता है कि उसे एक लड़का मिला है जो कि उस डिजीज से इन्फेक्ट नहीं हुआ है और वो शायद हाकाजे का मैजिक यूज कर रहा है। सैमन उसे कहता है कि ठीक है, उसे मारना मत, उसे कैप्चर करके यहां पर ले आओ। और दूसरी ओर एंजेलिना और योशिनो के बीच में डील हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है, अभी के लिए मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, पर तुम्हें अपने आप को इस केस से दूर रखना चाहिए, तुम्हें उस माहिरो के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाना चाहिए।
योशिनो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे यही कहा करती थी, मुझे मायरो के साथ नहीं रहना चाहिए। एंजेलिना पूछती है कि थी मतलब क्या वो अभी इस ट्रेजेडी में है? वो कहता है कि नहीं, वो एक्चुअली एक साल पहले की बात है। और तब हमें क्लियरली पता चलता है कि योशिनो की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि आयका थी, और उसे उसके जाने का गम तो है पर वो मायरो की तरह उस किलर को मारने के पीछे पागल नहीं है, क्योंकि वो सही नहीं है। और आखिरकार उस किलर को मारकर वो अपनी गर्लफ्रेंड को वापस भी तो नहीं ला सकता।